Good morning to all. I hope you all are fine. So let's start our class. Today we'll discuss class 3 mathematics. आज हम लोग class 3 mathematics का page 127 discuss करेंगे. So do you remember in the previous class we already discussed 127 page. Today we are going to revise. Okay? तो 127 page हम लोग already प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे. आज हम लोग 127 पेज का रिवाइज करेंगे. ठीक है, तो एक्सरसाइज आप लोगों का सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो वन नंबर आपका देखो एक ठो दे दिया है. फाइंड द रिजल्ट ऑफ द एडिशन ऑफ 128 मीटर 49 सेंटीमीटर एंड 67 मीटर 5 सेंटीमीटर. ठीक है, फाइंड द रिजल्ट एडिशन. आपका एडिशन करने के लिए बोला है 128 मीटर 49 सेंटीमीटर के साथ आपको 67 मीटर 5 सेंटीमीटर को आपको क्या करना है, ऐड करना है. देन यहाँ पर देखो मीटर सेंटीमीटर, यहाँ पर वो आर एस पी ए लिख दिया है, लेकिन यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर होगा. देन इसको ऐड करने के बाद इसका आंसर हो जाएगा 195 मीटर 54 सेंटीमीटर. ओके, द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज 195 मीटर 54 सेंटीमीटर. ओके, देन now come to the second question. What will be the difference between the two measures of 235 meter 16 centimeter and 156 meter 87 centimeter? What will be the difference between? ठीक है, difference means आपका subtraction. तो ये दोनों नंबर का बीच में difference कितना है, तो आपको क्या करना है, subtract करना है. ओके, तो आप लिखोगे कैसे, देखो यहाँ पर the difference between the two measures of 235 meter 16 centimeter and 156 meter 87 centimeter. ओके, देन मीटर सेंटीमीटर आ गया आपका 235 16 सेंटीमीटर, 156 मीटर 87 सेंटीमीटर. देन यहाँ पर सब्ट्रैक्ट के बाद ये आंसर हो जाएगा 78 मीटर 29 सेंटीमीटर. सो डिफरेंस इज 78 मीटर 29 सेंटीमीटर. ओके, देन नाउ थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 7630 सेंटीमीटर. हाउ मेनी मीटर्स, कितना मीटर है, 7630 सेंटीमीटर आपका कितना मीटर है. तो आपको क्या करना है, पहले देखो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर. आपको पता है 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, आप लिख दोगे 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 बाय 100 मीटर. ओके, देन 7630 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 7630 बाय 100. ओके, 7630 डिवाइडेड बाय 100, तो यह हो जाएगा आपका 76.30. देन आपका आंसर होगा, सो द मीटर्स आर 76.30 सेंटीमीटर. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट पेज. नाउ क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ रोप इज 95 मीटर 60 सेंटीमीटर 49 मीटर 80 सेंटीमीटर इज बीइंग कट ऑफ. फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप लेफ्ट. ठीक है, द लेंथ ऑफ रोप, एक रस्सी का लंबाई है आपका कितना, 95 मीटर 60 सेंटीमीटर, 49 मीटर 80 सेंटीमीटर इज बीइंग कॉट अप, उसमें से आप लोगों ने काट दिए इतना मीटर इतना सेंटीमीटर. तो फाइंड द लेंथ ऑफ रोप लेफ्ट, तो आपका रस्सी अब बचा कितना, इसका लंबाई था इतना, उसमें से आपको काट दिए इतना, तो उसके बाद काटने के बाद आपका रस्सी बचा कितना. तो आपको क्या करना है, देखो तो आपको पहले लिखना है द लेंथ ऑफ द रोप इज 95 मीटर 60 सेंटीमीटर, द कट ऑफ द रोप इज 49 मीटर 80 सेंटीमीटर. तो अब मीटर सेंटीमीटर, देन यहाँ पर 95 मीटर 60 सेंटीमीटर 49 मीटर 80 सेंटीमीटर. तो इसको आपको क्या करना है, माइनस करने के बाद ये हो जाएगा 45 मीटर 80 सेंटीमीटर. ओके, सो रिमेनिंग इज 45 मीटर 80 सेंटीमीटर. ओके, देन आपका क्वेश्चन नंबर फाइव, ए मंकी कवर 2 मीटर 59 सेंटीमीटर डिस्टेंस इन वन जंप, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इट 17 जंप्स. यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया, एक मंकी कवर, एक बंदर आपका 2 मीटर 59 सेंटीमीटर डिस्टेंस एक जंप में 2 मीटर 59 सेंटीमीटर डिस्टेंस जंप करता है, हाउ मेनी डिस्टेंस विल इट कवर 17 जंप. अगर एक जंप में इतना आपका डिस्टेंस वो जंप करता है, तो 17 जंप में कितना वो डिस्टेंस जंप करेगा. तो आपको क्या लिखना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मंकी इन वन जंप इज इक्वल टू 2 मीटर 59 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कवर्ड बाय 17 जंप्स इज मीटर सेंटीमीटर आ गया आपका यहाँ पर. देन इसको आपको एक, अगर एक जंप में इतना करता है तो 17 जंप में कितना करेगा, तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा. ओके,
मीटर सेंटीमीटर 2 मीटर 59 सेंटीमीटर उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे कितना 17, तो ये हो जाएगा आंसर 44 मीटर 03 सेंटीमीटर। तो आप लिखोगे सो द मीटर्स आर 44.03। ओके, देन आप लोगों का 5 नंबर तक क्वेश्चन का आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 6 नंबर से डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।